हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यानी आपके यूट्यूब चैनल महावारा एक्सपेरिमेंट में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया फ्रेंड्स, ये निकला बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर से निकले कंपोनेंट्स, यह है कंपनी का कार्ड, फेडमैन और प्रोडक्ट्स, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स। पहले हम डब्बे से बाहर निकाल लेते हैं, ये खाली हो गया, इसको हटा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, कोई भी छोटे कंपोनेंट्स के नंबर देखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह है सोल्डिंग आयरन 25 वाट, इसमें एक एक्स्ट्रा बिट भी आया फ्रेंड्स, ये बारीक बिट है। और यह है डिजिटल मल्टीमीटर, बेसिक जो मल्टीमीटर होता है वो फ्रेंड्स। ये पूरे किट में आपको सारा सामान मिल जाएगा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक किट को मंगाना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। अब हम मल्टीमीटर में नेगेटिव पॉजिटिव रोप लगाकर इसे डीसी 20 वोल्ट पर सेट कर देते हैं। यह हम इस मल्टीमीटर से अपना जो लैपटॉप का सेल होता है उसके वोल्टेज चेक करेंगे। इसके वोल्टेज आ रहे हैं 3.70 वोल्ट डीसी। यह है हमारी ग्लूगन, यह 25 वाट की ग्लूगन। ये मैंने फ्रेंड्स जब पैकेट आया था, जब मैंने यूज़ की थी देखने के लिए कि सही है कि नहीं। यह ग्लूगन की 5 स्टिक्स, एक उसमें लग रही है और बाकी 4 ये। यह सोल्डिंग फ्लक्स, जिसे हम सोल्डिंग पेस्ट भी कहते हैं। और यह है सोल्डिंग आयरन का रंगा, यह आयरन का स्टैंड, इसकी क्वालिटी भी मस्त है। इसको हम जोड़ लेते हैं, फिर जोड़ के रख के बताएंगे आयरन। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो ये आयरन गिरेगी भी नहीं। अब यह है कटर, वायर कटर, इससे हम कोई सा भी वायर काट सकते हैं। ये देखिए कैसे गाजर मूली की तरह उड़ा रहा है। पिचकस प्लस और माइनस वाला, इसकी क्वालिटी भी एक नंबर है। ये प्लस पेचकस और ये माइनस पेचकस। अब ये है डी सोल्डिंग पंप, अपन सोल्डिंग करते हैं तो ये जो रंगा खींचने का काम आता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये है डी सोल्डिंग वायर, इससे हम सोल्डिंग किए हुए कंपोनेंट को डी सोल्ड कर सकते हैं। ट्वीज़र माने चिमटी, ये कोई भी छोटा कंपोनेंट पकड़ने के काम आएगी। अब लास्ट हमारा बचा है टेस्टर, एसी टेस्टर,
हम एसी टेस्ट करेंगे इससे। ये देखिए फ्रेंड्स, बल्ब चल गया। अब हम ग्लूगन टेस्ट करेंगे। ये ग्लूगन का बटन ऑन करते हैं, अब इसे रख देते हैं 15 मिनट तक के लिए। 15 मिनट बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लूगन वर्क कर रही है। बस इसे थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद मस्त काम करती है। देखिए मजबूती इसकी। ये आयरन टेस्ट करते हैं और हम अब इस आयरन मैन में लगाएंगे रंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है। ये 2 मिनट में ही गर्म हो जाता है। हम मल्टीमीटर टेस्ट करते हैं। अब हम करेंगे एसी वोल्टेज चेक। ये हम इसको सेट करते हैं 700 पे, 700 एसी पे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी एसी वोल्टेज आ रहे हैं 235 वोल्ट। ये फ्रेंड्स ऑल कंपोनेंट्स।